नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांट पर हो रहे बड़े खेल के खबर के साथ। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के नाम पर जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था, वो था ऑर्गन ट्रांसप्लांट के फर्जी एनओसी का, जिसने पूरे एसएमएस प्रशासन को हिलाकर रख दिया और उसके बाद एसीबी की कार्रवाई ने हड़कंप भी मचा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी चाहिए। जयपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल पहुंच जाइए। एसएमएस अस्पताल में होता था बड़ा फर्जीवाड़ा। मोटी रकम दीजिए और एनओसी लीजिए। राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस हॉस्पिटल में आज सुबह एसीबी की बड़ी कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया और उसके बाद एसएमएस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। मैं आपको बता दूं, एसीपी ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट जारी करने को लेकर एक कार्रवाई की है, जिसमें सहायक प्रशासनिक अधिकारी को ट्रैप किया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 70,000 रुपए की रिश्वत लेते देते ट्रैप किया गया है और उसमें ईएचसीसी के कोऑर्डिनेटर भी शामिल बताए जा रहे हैं। और जब ट्रैप किया गया तो उनके पास 3 और फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट बरामद किए गए हैं। जी हाँ, एक ऐसा फर्जीवाड़ा जिसको सुनकर अधिकारी ही चौंक गए। और जयपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में ये काम तो हैरान करने वाला था। हॉस्पिटल के कर्मचारी ही काफी दिनों से मोटी रकम लेकर सबसे बड़ा फर्जी सर्टिफिकेट तैयार कर रहे थे। एसीबी ने एसएमएस अस्पताल में रुपए लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी देने वाले को गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने रविवार देर रात 1:30 बजे कार्रवाई करते हुए फर्जी एनओसी देने वाले सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह और ईएचसीसी अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी को लेनदेन करते रंगे हाथ पकड़ा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं जैसे वहां मौजूद हूँ, वहां पर पूरी तरह से सील लगा दी गई है और यहाँ पर एक नोट भी चिपका दिया गया है कि अब यहाँ पर कोई भी आ जा नहीं सकेगा और किसी भी तरीके की कोई गतिविधि नहीं हो सकेगी। और इस ट्रैप के बाद जब ये लिया गया तो बताया जा रहा है कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पास 3 और फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट बरामद किए गए हैं, जिसके बाद से एसएमएस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है और वही एसएमएस में हड़कंप भी मच गया है। एसीबी ने मौके से 70,000 रुपए और 3 फर्जी एनओसी लेटर भी जब्त किए हैं। कार्रवाई के बाद रात को ही एसीबी के अधिकारी गौरव सिंह और अनिल जोशी के घर और अन्य ठिकानों पर भी सर्च करने के लिए सर्च की कार्रवाई सुबह 5 बजे तक चली। दरअसल एसीबी के पास 3 दिन पहले एसएमएस अस्पताल के अधिकारी ने शिकायत दी थी कि अस्पताल में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट के फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट बना कमेटी की बैठक की जा रही है, ये लोग पैसा लेकर फर्जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एनओसी जारी करने के मामले में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। एसीबी ने एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी को ट्रैप करने के साथ ही ईएचसीसी अस्पताल के कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया है। लेकिन इस मामले में और भी बड़ा खुलासा हुआ है कि ये पूरा मामला इंटरनेशनल मरीज से जुड़ा हुआ है। एसीबी के सूत्रों के अनुसार एक बांग्लादेशी मरीज को ट्रांसप्लांट जो है वो कराना था और उसके लिए जो ये पूरा खेल जो है वो रचा गया था। लेकिन और भी बड़ा खुलासा इस लिहाज से हुआ है क्योंकि बताया जा रहा है कि करीब 17 से अधिक फाइलें थी जिन पर एनओसी जो है वो जारी करनी थी और उन मामलों में भी ये शक जताया जा रहा है कि इसमें भी लेन देन हुआ था। और ज्यादातर मामलों में बताया जा रहा है कि 90% मामलों में जो है वो ये सभी मामले इंटरनेशनल मरीजों से जुड़े हुए हैं। फिलहाल अंग प्रत्यारोपण से पहले फर्जी एनओसी देने के मामले में ईएचसीसी अस्पताल ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी को सस्पेंड कर दिया है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उनकी ओर से आंतरिक जांच की जा रही है, साथ ही वो एसीबी को जांच में पूरा सहयोग करेंगे। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से यह बड़ी खबर है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के फर्जी एनओसी मामले पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है।
फोर्टिस अस्पताल का कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार हुआ है। एसीबी ने कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह को गिरफ्तार किया गया। ऑर्गन ट्रांसप्लांट विभाग का कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह है, जिसे इस मामले में संदिग्ध पाया गया है पूछताछ के दौरान, और उसके बाद विनोद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। विनोद सिंह से भी पूछताछ की जाएगी। फोर्टिस अस्पताल का ये कोऑर्डिनेटर है, विनोद सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट विभाग का कोऑर्डिनेटर है विनोद सिंह। आज सुबह एसीबी ने विनोद सिंह को गिरफ्तार किया है। एसीबी के सत्यापन के दौरान विनोद सिंह का नाम भी सामने आया है। तो लगातार एसीबी की ओर से कार्रवाइयां की जा रही है, लगातार ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई जारी है। कई जगहों पर एसीबी की टीम पहुंची, कल रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, कई जगहों पर दबिश दी गई। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट में महाभ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईएचसीसी अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट का लाइसेंस स्थगित किया जा रहा है। उच्च स्तरीय कमेटी अब पूरे मामले पर जांच करेगी। कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, जैसा कि हमने पहले ही सोचा था और ये बात भी कर रहे थे हम, कि जब जांच होगी तो कई बड़े खुलासे होंगे, खुलासे हो भी रहे हैं और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, क्या अपडेट मिल पा रहा है पूरे मामले को लेकर? देखिए प्रियंका, आज एसीबी ने एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया, और ये वो रैकेट जो अंगों की तस्करी, यानी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़ा हुआ रिश्वत का खेल था, ये मामूली कोई बात नहीं थी। और इस पूरे मामले में अब राजधानी जयपुर के एक बड़े नामी हॉस्पिटल फोर्टिस हॉस्पिटल के जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की डिपार्टमेंट से जुड़ा जो कोऑर्डिनेटर है विनोद कुमार सिंह, उसको भी एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। इसके पहले कल रात को जो दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें एक एसएमएस हॉस्पिटल का सहायक प्रशासनिक अधिकारी था गौरव सिंह राठौड़, और वहीं पर उसके अलावा ईएससीसी हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेटर भी अशोक जोशी कल गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद जब एसीबी ने इस पूरे मामले में कॉल सर्विलांस के ऊपर लिए, एसीबी ने सत्यापन किया, उस सत्यापन के दौरान फोर्टिस हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह का नाम सामने आया था, जिसके बाद कल दो गिरफ्तारी होने के बाद आज विनोद सिंह को एसीबी ने गिरफ्तार किया। सबसे बड़ी बात अब तक की जानकारी में ये आई है कि गौरव सिंह राठौड़, जो कि डबल एओ है एसएमएस हॉस्पिटल में, और वही इन फाइल को, इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फाइल को और इस कमेटी को भेजने का काम करता था। उसके बाद उसके पास 16 फाइलें अभी तक मिली है, और ये सभी 16 फाइलें जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़ी हुई है, वे सभी फोर्टिस, उसके अलावा दुर्लभ जी, और उसके अलावा ईएससीसी, और तमाम जो बड़े जो नामी हॉस्पिटल हैं उनसे जुड़ी हुई ये सभी फाइलें। अब तक की जानकारी में ये भी सामने आया कि जो नेपाल, क्यूबा, बांग्लादेश, कई ऐसे जो इंटरनेशनल बाहरी देशों के जो पेशेंट थे, जो महंगे खर्च की वजह से जयपुर में आकर के ट्रांसप्लांट करवाने के लिए भारत आ रहे थे, उन्हीं का ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रिश्वत को, मतलब ट्रांसप्लांट करने के लिए रिश्वत का खेल चल रहा था। तो नेपाल, बांग्लादेश, क्यूबा जैसे इंटरनेशनल जो 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 पेशेंट है, जो बाहरी देशों से आ रहे थे जयपुर में, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं विष्णु, की ऑर्गन ट्रांसप्लांट में न सिर्फ फर्जी एनओसी का मामला है बल्कि विदेशों से भी इनके लिंक निकल कर सामने आ रहे हैं। कई और अस्पतालों का भी जिक्र कर रहे हैं आप, फोर्टिस अस्पताल के अलावा, तो क्या वहां पर भी एसीबी की टीम पहुंची हुई है विष्णु? देखिए, एसीबी की टीम कल रात से इस कार्रवाई में जुटी हुई थी, और जब आज गौरव सिंह के जो राठौड़ है, जो कि एसएमएस हॉस्पिटल में डबल ए हुए, उसके ऑफिस को एसीबी ने सील कर दिया है, क्योंकि वहां पर 16 फाइलें मिली है। 16 सभी फाइलें जयपुर के नामी बड़े हॉस्पिटल्स की है सभी, और जो ये सभी फाइलें हैं ये सभी इंटरनेशनल पेशेंट्स है, जो कि मैं गौरव से कह रहा हूँ, नेपाल, बांग्लादेश, क्यूबा और कई तमाम जो इंटरनेशनल जो पेशेंट्स हैं, जो यहाँ पे कम खर्च की वजह से जयपुर में आकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने के लिए आते हैं, उनकी ये सभी फाइलें हैं। इनमें कोई भी लोकल पेशेंट नहीं है, कोई राजस्थान का या भारत का पेशेंट नहीं, सभी बाहरी देशों के पेशेंट हैं। तो ये बड़ी बात है, और सब ये सभी जो पेशेंट होते हैं वो दूतावास के जरिए एनओसी लेकर के जयपुर में ट्रांसप्लांट करने के लिए आते हैं, और इन्हीं से मोटी रकम वसूल करके ये रिश्वत का खेल चल रहा था, जिसका एसीबी ने उजागर किया। पूरी जो कार्रवाई है वो डीआईजी रवि कुमार के निर्देशन में कर रहा था, की जिसमें एडिशनल एसपी हिमांशु कुलदीप की टीम ने मिलकर एसीबी ने ट्रैप किया। और खास बात है कि गौरव सिंह राठौड़ और उसके अलावा अशोक जोशी को कल मानसरोवर में चौपाटी से इनको गिरफ्तार किया गया था, ट्रैप किया गया था। चौपाटी पर रिश्वत की ये लेन देन चल रहा था। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि मानसरोवर में बिल्कुल विष्णु, पहले गिरफ्तारी, पूछताछ, कई जगहों पर रेट और जांच अभी भी जारी है, और बड़े नेटवर्क का खुलासा होता चला जा रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका।